सुना इधर कॉम्प्लीमेंट्री अंदर किसे कहते मालूम है आप लोगों को? सर लाइव बोल रहा है किस तरह जैसे एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एक्स प्लस नाइन कितना एंगल आप यही बस आप लोग को लिख देना तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस एक्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसको जोड़ने पे क्या होना चाहिए रिजल्ट क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए सप्लीमेंट्री वो चीज़ अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एंगल्स को जैसे एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ 90 माइनस एक्स तो दोनों को एंगल को ऐड करके चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक्स प्लस 90 माइनस एक्स कैंसिल होकर क्या आ गया यानी यहाँ दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में देखेंगे। उसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ। ये ओरिएंटल लाइन है सॉरी वर्टिकल लाइन है ये ओरिएंटल यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा अगर हम यहाँ से जीरो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करिए जीरो डिग्री एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 90 डिग्री 90 और यहाँ पे 360 370 कौन है ये जो है इसका घर है साइन ऑफ कॉसेक साइन एंड कॉसेक ये जो घर है कॉस और सेक का घर कौन सा है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक ये आपको याद करना पड़ेगा। टैन और कॉट किसका है फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें जी सर 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले ग्रुप में ऑल यानी जितने भी सिक्स कोऑर्डिनेट है साइन रेशियो है साइन कॉस सेक कॉट टैन कॉसेक ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं है ना। और इस ग्रुप में कोई भी अगर एंगल्स को मतलब इस एंगल इस ग्रुप में यानी ये जो क्वाड्रेंट है इसमें किसी एंगल अनदर एंगल्स को लिखते हैं तो सिर्फ साइन और कॉस जो होगा कॉसिक और पॉजिटिव होगा बाकी जितने भी सारे एंगल्स होंगे सारे के सारे निगेटिव होंगे। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा अभी कुछ देखते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा ये 90 डिग्री मान लेते हैं ये ए बी सी अगर हम इसको थीटा मान लें ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तभी तो 180 डिग्री कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्लियर। तो यहाँ से अगर बात करें इसको हम ए बी और ये एच करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बाई बी ए बाई एच और यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा ए बाई नहीं कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस के लिए एडजेसेंट ये है ना साइन बेस इसका क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा मतलब साक्षी बोलो नहीं दिख रहा तुम बोलो अमन कॉस 90 माइनस थीटा बी बाई एच तुम बोलो अमन सर ए बाई एच होगा क्योंकि कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बताया गया था
दूसरों का cos का क्या adjacent by hypotenuse, इसका adjacent कौन सा, ये है ना, इसके साथ adjacent क्या है, a है, और ये क्या हो जाएगा by h, इसका देख रहा है इस situation का one and इसका दोनों का RHS का equal है, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 degree minus theta equal to sin हो सकता है ये, तो ये हम प्रूव कर दिया और यहाँ पे समझते हैं, अब याद करने वाला है इस ग्रुप पे कोई भी आएगा एंगल्स के रिस्पेक्ट में, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं या 90 प्लस थीटा करते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस वाला दिखाया जाएगा, हम प्लस माइनस सब कुछ बताएंगे, 270 तक बताएंगे, 360 भी बताएंगे, तो 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो किसी क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा, इसके पहले मान लेते ये सब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है तो किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन सा फर्स्ट, इसमें सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, 90 प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड, 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड, 180 माइनस थीटा करें तो सेकंड, अब रुक जा कोई नहीं बोलेगा, 270 अगर प्लस करें तो सौरभ बताओ तो सेकंड, 270 प्लस थीटा अगर करते हैं तो देख के सामने देखो 270 यहाँ पे है ना, प्लस करेंगे तो देखो ये प्लस है ये इसमें आएगा और माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा, ठीक है ना, तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दो चीज याद रखो 90 पे और 270 पे जो क्या होता है कॉस जो होगा वो साइन में चेंज हो जाएगा और साइन जो होगा कॉस में चेंज होगा, टैन जो होगा वो कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा, अब यहाँ से कुछ वैल्यू पूछते हैं आपसे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, डाउट बहुत कितना ध्यान दीजिएगा उतना आप क्लियर होगा, साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कि साइन है ना यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 90 है, तो पहला तो लॉजिक ये है कि साइन जो होगा कॉस में कन्वर्ट होना ही है, होना ही है ना, कैसे चेंज करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा राइट डिग्री में कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, फिर से बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉजिटिव होगा और क्या होगा, ये कॉस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अब दूसरा बात सेक 90 प्लस थीटा है, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, तो पहली बात ये कि ये साइन और कॉसेक का घर है, तो सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा बाकी सब के सब क्या होंगे निगेटिव होंगे, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले कि ये निगेटिव होगा, उसके बाद से सेक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक, क्यों कन्वर्ट होगा साक्षी, क्या वो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बोलो, क्योंकि वो 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा है तो सेक क्या हो जाएगा कॉस से, और जो थीटा हो थीटा का थीटा, ठीक है ना, अब अगर बात करते हैं कॉट 90 प्लस थीटा की, तो कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव हो गया या निगेटिव, निगेटिव होगा, बस साइन और कॉसेक को छोड़कर सब के सब क्या होंगे निगेटिव होंगे, 90 प्लस थीटा है तो निगेटिव हो गया, कॉट किस में चेंज हो जाएगा टैन में, टैन थीटा, अब यहाँ से अगर बात करें कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है सब के सब, ये पॉजिटिव ही रहेगा, बट 90 माइनस थीटा कॉट क्या हो जाएगा टैन में कन्वर्ट होकर टैन थीटा, थीटा, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा,
cos 90 degree minus 360 degree plus theta. अब एक और बात याद रखना, हम 360 plus theta बोले है ना, तो 360 और 180 में अगर यहाँ पे 360 और 180 लिखा गया होता है तो वहाँ पे साइन, सॉरी क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो cos है साइन में चेंज नहीं होता है, टैन cos में चेंज नहीं होता, यानी ये चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये सिर्फ 90 और 270 पे ही चेंज हो रहा है। भले हम ये कहें कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो 90 माइनस थीटा भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा तभी वो चेंज होगा, अगर 360 प्लस थीटा लिखा जाएगा तो चेंज नहीं होगा, या 180 प्लस थीटा लिखा जाएगा तो भी चेंज नहीं होगा। ये क्यों होता है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा पे चेंज, अभी जस्ट हम यहाँ पे देख चुके हैं, साइन थीटा जब निकाले तो ए बाई एच आया, कॉस 90 माइनस थीटा निकाले तो भी ए बाई एच आया, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। ये एक छोटा सा हम एग्जांपल दिया, अब इसको एक एक करके प्रूव करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बस इसको समझ लीजिए, और कुछ गधे जो होते हैं वो इसको रटते हैं, याद करते हैं, तो आप लोग रट्टा मारना बंद कीजिए, इसको समझ लीजिएगा तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, पहली बार नहीं समझ में आएगा दूसरी बार बताएंगे, पर आज नहीं, आज घर पे जाकर रिवाइज कीजिए, अगला दिन जब डाउट क्लास लेंगे या कभी भी क्लास लेंगे तो दोबारा बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी भी है और यहीं पर नहीं, आपको आगे भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा, फिजिक्स में तो जरूर आएगा 11th 12th। और ये टॉपिक जो है ये 90 प्लस थीटा और ये 270 प्लस थीटा, ये 11th का ही टॉपिक है, हम ये नहीं करेंगे इसको आप पूरा कंटेक्स्ट याद कर लो या ऐसा कुछ करो, हम बस इसको क्लियर करने के लिए ना सिर्फ यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, तो सिर्फ आप यहीं तक क्लियर करके बस इसी में यार इसको अगर समझा देंगे ना तो आप इसको रट्टा मार के बैठ जाइएगा, जब ये पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका सब समझ लीजिएगा तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी ही, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कभी रट्टा मारा ही नहीं जाता, कुछ ही आइडेंटिटी है वो, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन वन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, यही तीन या चार आइडेंटिटी रट्टा मारा जाता है, और ये क्यों होता है ऐसा बराबर, ये आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया गया था, यस या नो, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्रूफ किया गया था, इतना जल्दी बोल गया, कॉपी निकालेगा मिल जाएगा तो कॉपी मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो 360 प्लस थीटा करते हैं, रहने दो कोई बात नहीं, 270 माइनस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर इसको सॉल्व करो, सॉल्व खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर एक फिर एक चलते बताएंगे, कॉस और सेक ना, तो साइन है तो क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव हो गया, 360 में ये चेंज नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन थीटा ही हो गया, साइन से हमारे हां, अरे समझ में आ गई, सुनो कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों ने, कितने लोग आ गया, कंसेप्ट आ गया पूरा, आने का लड़की में किसी को नहीं आया जी, और तुमको इधर सॉरी साक्षी, तो कॉट 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट 270 माइनस थीटा कितना होगा, पॉजिटिव होगा, अगर 10 होगा तो कॉट 270 माइनस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव माइनस बोल देंगे, पॉजिटिव और कॉस कितना चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, चलो रहने दो इतना ही बस, जिसको क्लियर हो वो ठीक है, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है, कॉस 270 प्लस थीटा माइनस में रख सकते कैसे होगा, कॉस 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो फिर साइन चेंज हो रहा है, यही बता रहे थे कि बस इसका देखते हैं, LHS वाला देखते हैं, RHS वाला चेंज कर रहे हो वो नहीं देखते हैं, कॉस वाला चेंज कर रहे हो तो कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये सोचना है, रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, अरे साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, साइन तो नेगेटिव होगा,
साइन को साइन बनाएंगे माइनस रहेंगे और फिर 60 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता तो माइनस को माइनस साइन थीटा, ठीक है, रह दीजिए उसके लिए। अब यहाँ पे की नोटिस करो, अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, आप खुद व खुद बताना मुझे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा से सेम होगा, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा खुद से फॉर्मूला लिख लो भाई, और साइन बोलो मत लिख लो, से 90 माइनस थीटा कॉस ए 90 माइनस थीटा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस सिर्फ माइनस वाला ही बता रहे हैं। आशुतोष, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? अच्छा कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से घर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार, अरे चार घर था ना यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा अरे चौथा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा तुम बताओ, बगल फर्स्ट में जाएगा ना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब पीछे की तरफ और प्लस का मतलब आगे की तरफ, ठीक है ना, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, बट क्या होता है कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा जी, साइन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वैसे ही सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक किस में, सेक थीटा, टैन किस में, कॉट थीटा, और कॉट किस में, टैन टैन थीटा। अब इसका यूज कहाँ पे आता है देखिएगा, क्वेश्चन अगर हमारे पास ये है कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो, यस सर, अब बहुत आसान से देखो, किसी एक को चेंज करो, क्या लिख सकते, साइन को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 घटा 72 लिख सकते हैं, अरे 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 और माइनस 72 को रहने देते कॉस 72 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा की जगह पर क्या है 72 और नीचे क्या है 72 डिग्री, कितना आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बना के लिखाइए, tan 26 by cot, ये सब सामने से दिख रहा है, तो मौके बता सकता है वो भी, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और थर्ड के क्वेश्चन में वो ये है, cos 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री, चलो जल्दी बताओ, चलो समय देते हैं टोटल 3 क्वेश्चन के लिए, लिखना बंद करो भाई, 3 क्वेश्चन है, समय 5 सेकंड का, बताओ कौन हाथ ऊपर करेगा, बताओ सर, पहला का 1 और दूसरा का 0, तीसरा का भी 0, क्या इसका इसका तीसरा भी होगा, हम उसको देखें, बिल्कुल सही, फ्रैक्शन में होगा ना क्वेश्चन, तो समझ लो कि रियलिटी कि 1 ऊपर आएगा और ये एक प्लस और एक माइनस में आएगा नेगेटिव 0 आएगा, तो बता सकते हो कैसे होगा जी, गलती तुम्हारी नहीं,
बचपन में लगा था कि कुछ नाम करेगा, लेकिन हमको मालूम जैसे दुकान में बैठने लगा तो मालूम चलेगा कि बाबू जो नाम तो करेगा लेकिन नाम किस एरिया में करेगा नहीं जानते। जिसने बिफोर टेंथ क्लास पैसे की शक्ल देख ली, मतलब ऐसे नहीं कि पापा दिया वो वाला नहीं, कमाने लगा दुकान में बैठ गया ऐसा कुछ करके, तो उसका चांसेस ज़्यादा रहता है पढ़ाई से मन उठ जाने का। देखिएगा 10, 26 क्या देख सकते हैं, किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज करके तो फिर वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कॉट 64, नीचे आ जाएगा 10, 26 के लिए, है ना। किसी एक को चेंज करना है, 10, 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10, 26 को 90 माइनस 64 करो ना, अरे 64 माइनस करो तो वापस 26 आ जाएगा ना, 26 को लिख सकते हैं 90 घटाओ 64, वही काम किए और नीचे क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, ये कितना है 10 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ पर क्या होगा 64 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा 64, कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा, कॉसेक 31 है, किसी एक को चेंज करो, कॉसेक 31 को ही चेंज करते हैं, 90 माइनस क्या होगा 59 होगा, 90 में से 59 जाएगा तो 31 बचेगा, ठीक है ना। आशुतोष कोई डाउट है जी, अरे यहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है, 31 को लिख सकते हैं 90 घटा 59, तो वही चीज लिख दी है, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो सेक लिख दिए, थीटा के ऊपर क्या है 59 डिग्री लिखेंगे ना, और माइनस यहाँ पे क्या है सेक 59 डिग्री, एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। ओके क्या कर रहा है, एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, बीच रिपीट अब पता नहीं रहा कि हां सही किया, कभी अबू वाला काम किया है तुम लोग कहाँ से करें, है ना। अबू क्या करता है, दो लोगों के बीच में रिश्ता जोड़ता है ना, आपका भी है क्योंकि काट भी हमारा कोई किया नहीं तो हम कहाँ किसी और करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कौन कौन सा जी, 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 होगा, सर अब यही प्रॉब्लम है, बाद में फिर कोई दिक्कत होगा तो पूछो नहीं, और यहाँ पे 23 और क्या हो जाएगा 67, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का रिलेशन ही साथ रखो, तो क्या है 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री हो जाएगा, LHS हम जगह चल रहा है 67 अच्छा 67 गलती में तो आवाज मिलेगा, 10 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री और इसको वैसे ही रख देंगे 10 42 डिग्री, 10 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री और इसको रख देते हैं 10 67 डिग्री, हाँ होगा ना। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होगा आशुतोष, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा 10 42 10 90 माइनस थीटा cot थीटा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cot थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री और ये ऐसे ही रहेगा 10 42 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे इंटू है 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा 10 67, बहुत पहले हमको बताया गया था जब फर्स्ट क्लास में 10 cot थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, एक दूसरे का उल्टा ही ना होता है, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा सॉरी sec और sin का उल्टा cos है, तो किसी भी नंबर का उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे cot और tan क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा,
वैसे ही cot 67 और tan 67 यानी cot थीटा इनटू tan थीटा, ये थीटा भी सेम होना चाहिए तभी वन लिखेंगे। ये देखिए cot 60, अगर ऐसा करना होता तो cot 67 और ये tan 42 होता या 23 होता तो वन नहीं होता। cot थीटा और tan थीटा यहाँ पे दोनों सेम सम है तो cot थीटा इनटू tan थीटा क्या हो जाएगा, अगेन वन, वन इंटू वन क्या हो जाएगा टू, और वही शो करना था। क्लियर? एक और क्वेश्चन, यहाँ से आपको ध्यान नहीं देना होती है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। 2a एक्यूट एंगल है, कौन सी इसलिए एंगल नहीं बराबर क्या है ये आपको बताना, ट्राई कीजिए खुद से। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये कितने लोग को आया समझ में, किसी को नहीं आया? ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, रेस भी लगवाएंगे याद रखिए। क्या लगवाएंगे? रेस, रेस जो पहले बना के दिखा। यहाँ पे देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री ऐसे करके लास्ट मेरा है tan 89 डिग्री। 89 डिग्री इक्वल टू 1 आपको शो करना, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस डॉट डॉट करके हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं tan 88 डिग्री लिख सकते हैं ना जी, कंटिन्यू है तो यहाँ पे tan 87 डिग्री हो गया। हम क्या करते हैं इधर का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सर्च करते हैं, कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, आपको ये 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, 89 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 और 88 दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, ये और ये दिख रहा है, बस अगवा वन को रिश्ता जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से। यहाँ पर tan 1 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan 89 डिग्री होगा, अरे इंटू में 3 इंटू 4 इंटू 6 है उसको 6 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या है tan 2 डिग्री है तो tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ऐसे करके डॉट डॉट करके कहाँ तक चले जाएंगे, अगर हम बीच तक चले जाते हैं कहाँ तक, tan 44 डिग्री इंटू tan 46 अभी थोड़ा यूज करना कौन सा 46 इंटू और 46 इंटू क्या कर दें 44 से डिग्री और कर दें हो जाएगा लास्ट, लास्ट तो यही रखिए बचेगा जी, सॉरी इधर से 44 और इधर से 46 अभी ना 44 और 46 कितना हो जाएगा, लिखना पड़ेगा पूरा, लिखाना नहीं पड़ेगा अप्रोक्सीमेट लगभग ये होगा ना। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि लास्ट में 44 और 46 क्यों लेके गए ना, क्योंकि यहाँ से जब ये 1 से आगे बढ़ेगा 1 2 ऐसे बढ़ेगा और इधर से पीछे से आएगा 89 88 ऐसे बढ़ता रहेगा, तो 89 88 तक कहाँ तक जाएगा 46 तक जाएगा, और जगह देखो 2 और 88 90 1 और 89 90 44 और 46 ये लास्ट पेयर यही है, बीच में और भी पेयर होगा, कौन कौन पेयर हो सकता है, चलो एक पेयर का नाम लेते हैं tan, अगर हम ये करें 23 डिग्री करें तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 67 tan 67 वेरी गुड 67 डिग्री दिखेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं tan 1 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 89 और इंटू tan 89 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री और ये tan 88 डिग्री ऐसे ही रहेगा, ऐसे डॉट डॉट करके इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 44 को क्या लिख सकते हैं 46 लिख सकते हैं, 90 में से 46 जाएगा 44 बचेगा, बस 44 को क्या किए तोड़ के लिख दिए और ये tan 46 रहने देते हैं। यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सुतोष cot 89 डिग्री होगा और ये क्या हो जाएगा tan 89 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा cot 88 डिग्री और tan 88 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cot 46 डिग्री इंटू tan
46 डिग्री। तो ये क्या इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू इसका वैल्यू कितना इंटू 1, ये सब कितना हो जाएगा 1। अब जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया बोलिए, हम फिर दोबारा बता देंगे भाई, लगाओ मत दूसरा। चलो पहला हम करते हैं, हमको नहीं समझ में आया बिट्टो, मेरी कसम समझ में आ गया। देखो दो और अठासी का सम कितना होता है, दो और अठासी कितना होता है, नब्बे, तीन और सतासी कितना होगा, नब्बे ही ना होगा। तो ऐसे ही करते करते जाएंगे ना, तो अगर हम यहाँ पे टेन बयालीस होता तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, टेन अड़तालीस लेना पड़ेगा, तभी ना हो जाएगा। इधर से बढ़ते जाएंगे तो अड़तालीस तक आएगा, इधर से बढ़ते हो जाएंगे तो बयालीस तक जाएगा। यानी हर एक जोड़ा उठा रहे हैं, हम जोड़ा बना रहे हैं, यानी ऐसा जोड़ा बना रहे हैं जिसका सम क्या होना चाहिए, नब्बे डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब वो जो क्वेश्चन था टैन टू वाला, टू ए वाला सब लिखा था कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो उसी बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा समझाते हैं, मे भी शायद हो जाए। साइन टू ए इक्वल टू कॉस ए माइनस थर्टी दिया गया है, साइन टू ए इक्वल टू कॉस ए माइनस थर्टी डिग्री दिया गया है, तो ए का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, सेम टू सेम है, बन जाएगा यस ए माइनस थर्टी डिग्री। चलिए बताइए कितना होगा, 30 सेकंड के भीतर। फोर्टी करेक्ट, फोर्टी 40 डिग्री। बाकी लोग ध्यान दीजिए, साइन टू ए को लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साक्षी लिखा बंद करो, समझ में आ गया बन जाएगा फिर भी देख लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन थीटा की जगह हम लिख देते हैं 2a लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे करें, साइन 2a की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 2a एज पर भी ये क्या है, cos a माइनस 30 डिग्री, ये तो क्या होता है हट जाएगा ना, ये काटते नहीं है, काटना बिल्कुल नहीं एग्जाम में, ऐसे बस एस्केप कर देंगे हटा देंगे, निकाल देना 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 30 डिग्री, इस 2a को उधर लेके जाओ, इस 30 को इधर लेके आओ, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये a, ये माइनस 2a क्या हो जाएगा 2a, ये कितना हो गया 3a बराबर 120, देन a इज इक्वल टू। ठीक है ना, अब बन जाएगा ऐसा सवाल। एक क्वेश्चन और देखिए, sec 5a is equal to, एक और क्वेश्चन है, sec 5a is equal to, बाकी जो लोग नहीं बना के दिखा हम लोग sec तो क्या रहेंगे, ये क्वेश्चन जल्दी और बना के दिखाएंगे, और जो लोग बता चुके वो लोग चुप रहेंगे थोड़ा। 5a is equal to cos a a minus 30 degree बनाएंगे, बताओ जल्दी। आ जाओ ना बोलते दिखा पर दिखा दो सर, सर बताएं ऐसा कितना है, मेहमान आए थे भुला गया बेटो।
सदाब आदाब ड्राइवर आशुतोष उर्दू हम जानते नहीं इसका मतलब कुछ भी किसका साइन है अबू का अम्मी का साइन है अभी देख लो गूगल ट्रांसलेटर सर्च करेंगे नाम क्या अम्मी का